पार्टनरशिप के एडवांस क्वेश्चन में अब हम आएंगे पास्ट एडजस्टमेंट पे जो क्वेश्चन करने हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ एरर कर दिया है, अब उसको हमें रेक्टिफाई करना है एक जर्नल एंट्री पास करके। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पार्टनरशिप का बीकॉम बीबीए लेवल का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है बीकॉम और बीबीए के सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2015 वर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकालते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो कैपिटल दी है 14,000, 16,000, 18,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ 15-16 ओपनिंग कैपिटल बता दी और बताया कि 15-16 का जो अकाउंट है जब उसको बंद किया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 5% पर एनम पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो प्रोवाइड नहीं किया गया है और ऐसे ही प्रॉफिट बांट दिया गया है। क्या प्रॉफिट बांटा गया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। इन्होंने बोला कि एक एंट्री पास करके इस एरर को रेक्टिफाई करिए। कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो हमें सही क्या करना है, दे देना है। जब पार्टनर को कोई चीज मिलती है पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी कुछ पार्टनर को मिलेगा तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये किसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को। और कौन देगा पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म देगी, मतलब फर्म देगी तो वो अपने को क्या करेगी, डेबिट। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे आप ये इस टाइप के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिला है, नहीं मिला है तो हम दे देते हैं, देंगे तो यहां पे फॉर्मेट बनाना होगा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर जितने पार्टनर है वो, और फॉर्म का भी यहां पे बनेगा, मतलब फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो रहा है, अभी करेंगे तो समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, दे देते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत डिफिकल्ट करेंगे, एडवांस लेवल का होगा। ये समझाने के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, तो हम यहां पर क्रेडिट लिख देते हैं कि पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फॉर्म अपने अकाउंट में क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, क्योंकि फॉर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देती है, देगी तो वो अपने यहां डेबिट करेगी, पार्टनर्स को क्रेडिट करेगी, ये रूल याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, तीनों की कैपिटल देखिए दी हुई है 14,000, 16,000 एंड 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 पे 5% निकालना है, तो 5 × 4 = 20, तो हम यहां पर निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 है पहला इंटू 5%, 5/100 700, फिर ये ए का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह बी का निकालते हैं, बी का अमाउंट है 16,000, फिर 18,000 सी का है, 16,000 पे निकाल लेते हैं 16,000 इंटू 5/100, 5 × 6 = 30, 800। तो ये दूसरे का आ गया, और सी का निकाल लेते हैं 14,000, 16,000 एंड सी की कैपिटल दी है क्वेश्चन में 16 के बाद 18,000, तो हम 18,000 पे भी निकाल लेते हैं इंटू 5/100 विच इज 900। तो तीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल गए, अब तीनों पार्टनर्स को दे देंगे 700, 800, 900। इन तीनों को पार्टनर ने, पार्टनरशिप फर्म ने दिया है, तो टोटल कितना दिया होगा फर्म ने, तो इनका टोटल कर लेते हैं 8, 16, 17, 17 एंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2400। तो फर्म ने 2400 दिए होंगे, मतलब फर्म ने डेबिट किया होगा अपने यहां 2400 और पार्टनर को तीनों को क्रेडिट कर दिया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट इफेक्ट दिया गया है, इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट होगा वो पार्टनरशिप, जैसे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का लॉस अराइज हो जाता है, मतलब 2400 का लॉस हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, मतलब
2400 रुपए पार्टनरशिप फर्म ने दिए हैं पार्टनर को, जिसकी वजह से 2400 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो लॉस भी तो पार्टनर्स में बटेगा, तो अब हम लिख लेते हैं लॉस। लॉस ऑफ कितने का लॉस हुआ, ये 2400 का ही तो लॉस हुआ है, तो लॉस पार्टनर्स में बटेगा किस रेशियो में, ओल्ड जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में रेशियो है इक्वल रेशियो, तो हम इक्वल रेशियो में बांट देते हैं, विच इज 1:1:1, तो 800 ईच आ जाएगा। यहां लिख देते 1:1, 800, तो 800 यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लॉस है तो पार्टनर्स जो है अपने आप को डेबिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट होंगे पार्टनर्स, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होंगे। फर्म क्या करेगी, लॉस होने पे क्रेडिट करेगी। तो देखिए ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो जाएगा, निल हो जाएगा यहां। 800 ईच हो जाएगा यहां। तो ये इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा जो डेबिट वाला है हम उसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये भी डेबिट में था। अब नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए यहां पे क्रेडिट है 700, डेबिट है 800, तो डेबिट ज्यादा है 100 से, तो ये डेबिट हो गया, इसको हम डेबिट लिख देते हैं, एंट्री बन गई। देखिए यहां पर क्या है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जीरो इफेक्ट आ रहा है, निल हो जाएगा। यहां पर क्रेडिट ज्यादा है 100, तो यहां क्रेडिट लिख देते हैं। आई थिंक बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देखिए नेट इफेक्ट हमारा निकल कर आ गया, एंट्री क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल फिक्स नहीं है, तो हम लोग सिंपली कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर देते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, तो हम यही पे एंट्री कर दे रहे हैं, आप लोग अलग से एंट्री करिएगा। एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 100 से। तो ये हो गया एक पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट देंगे, जो बीबीए बीकॉम लेवल का होगा।